जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मेरी तरफ से राम राम भाई। तो भाई आज का जो तारा जो टीजीटी का पेपर होया है 3 तारीख है, आज 3 जनवरी 2021। आज का जो टीजीटी का पेपर आया उसकी भैया हरियाणा जीके की वीडियो बनाने लग रहा हूँ, ठीक से। तो भाई ये सारे के सारे प्रश्न तारे मतलब ग्राम सचिव का जो पेपर हो उसका खातर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक से। स्टेट वाले चेक कर लियो भाई कितने सही हैं कितने गलत हैं। अगली शिफ्ट का जो पेपर होगा तारा इसका पीआरटी का उसका खातर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक से। और जो तारे के नाम है हरियाणा पुलिस ये सारे पेपर खातर लाइव अटेंडेंट रियागा जो भी होंगे यो के नाम है ANM GNM सारे खातर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। तो पहला प्रश्न के है निम्नलिखित में से एफिड के बारे में कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये प्रश्न पूछा भाई एफिड के बारे में कौन सा कथन सही है। एफिड का मतलब तो बेरा हो एफिड के है, एफिड बता दूं जिसने ना बेरा हो वह कौन आया करके पास सिरसम की तेल की आया कर डिब्बी सिरसम का तेल की एक बोतल आया कर 5 लीटर की कदे देखियो एफिड की, ठीक से। वह है एफिड एक कंपनी है जो कि ये जो कृषि उत्पादन है जैसे सिरसम का तेल हो गया और की में हो गया आटा उट्टा ये सारी चीज़ आया करें एफिड की, ठीक है। तो एफिड के बारे में कौन सा कथन से यह कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, कृषि उत्पादों का विपणन करता है, यह कृषि आदानों की पूर्ति करता है, ये तीनों के तीनों कथन सही हैं भाई। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तारा पेपर मानू छप रहे थे 1 2 3 करेक्ट वो मैंने लिखे कौन सीधे के सीधे तारती आंसर बता दिए भाई, ये तीनों के तीनों आंसर इसके ठीक से हैं। और अगर कुछ हमारे चैनल पर अगर कुछ साथी ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको हिंदी में नहीं पता भाई सरसम का तेल क्या होता है, तो सरसम के तेल को भाई इंग्लिश में मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल ये एक चिकना चिकना पदार्थ होता है जिसको बालों में लगाया जाता है जिससे आपके बाल बह जाते हैं। अगला प्रश्न के भाई हरियाणा में कहाँ पर नगर वन विकसित किया जा रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये प्रश्न पूछे भाई नगर वन कित विकसित कराया जा रहा है, तो मुरथल का में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए भाई, मुरथल का में। और मुरथल कित से सोनीपत का में, कई बार नू जगह ना दे रखी सीधा डिस्ट्रिक्ट दे रखे, तो भाई सोनीपत का में नगर वन विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न के भाई जनवरी 2020 में कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद के स्तर पर प्रोन्नत किया गया। तो भाई जनवरी 2000 यो भाई करंट अफेयर का प्रश्न है, नुक्का नु वीडियो मत आ रहे थे यकीन नहीं होता ना, वीडियो ती जाएगी देख लियो। जनवरी 2020 में कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद के स्तर पर प्रोन्नत किया गया, तो भाई झज्जर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, झज्जर नगर पालिका को नगर परिषद के स्तर पर प्रोन्नत किया गया। कई जने नु पूछी जा वीडियो कड़ा चैनल ती खोल के देखो ये वीडियो दिख जाएगी, दूसरा तीसरा नंबर पर पढ़ी पाओगी, ठीक से। करंट अफेयर 2020 की संपूर्ण। अगला प्रश्न के भाई एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर में की गई, तो भाई एयर शटल सेवा की शुरुआत है यह हरियाणा का इसारका में करी गई है। क्यों करी गई है, इसारका में एयरपोर्ट बनाया है उसका खातर इसारका में एयर शटल सेवा की शुरुआत की गई है भाई, ठीक है। यो भी करंट अफेयर का प्रश्न है, वीडियो का मैं तायड़ा है यकीन नहीं होता तो जाएगी देख लियो। अगला प्रश्न के यार कई जने तुम कहो ये प्रश्न कम से वीडियो का मैं जो से करवा यार इतने कर लियो। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, इनने कहा मैं तारे सारे प्रश्न इस बार तो कि मैं आने आ रहा। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो भाई श्री मनोहर लाल ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। श्री मनोहर लाल जी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न के भाई मिंटी अग्रवाल के बारे में कौन सा कथन सही। मिंटी अग्रवाल वाला भी करवाया था धरती, शायद 19वीं मिनट पर है वीडियो का मैं देख लियो, 19वीं मिनट पर है भाई। मिंटी अग्रवाल को कौन सा मेडल मिला था, युद्ध सेवा मेडल को प्राप्त करने वाली पहली महिला है और भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है, ये डे के नीचे रह गया हुआ स्क्वाड्रन लीडर है। ए और बी दोनों कथन सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्क्वाड्रन लीडर भी और युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली भी पहली महिला है। पीडीएफ का मैं जाके देख लियो, न्यूड वीडियो का मैं देख लियो और करंट अफेयर की पीडीएफ से तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ ले लियो भाई। प्राचीन भवानी अंबा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो भाई चार ऑप्शन दिए गए, प्राचीन भवानी अंबा माता का मंदिर भाई अंबाला का में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अंबाला का में, ठीक है भाई। अगला प्रश्न के है भाई 1857 के विद्रोह के दौरान झज्जर का नवाब कौन था। झज्जर का नवाब पूछ रहे क्या भाई, पाछली जो काल सांझ ना पेपर आया था उसका मैं बेरनकड़ा का रोहतक का नवाब पूछ रखा था, अरीबाला में 1857 के विद्रोह के दौरान झज्जर का नवाब पूछ रखा, तो अब्दुल रहमान खान ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति की पूरी वीडियो चैनल पर पड़ी है, ठीक है। अरे भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा का परिचय करवाना शुरू करूँगा तड़का परसों था ग्राम सचिव और हरियाणा पुलिस का खातर, तो तैयार रही हो हर एक डिस्ट्रिक्ट का मतलब पूरी की पूरी, उसमें उस डिस्ट्रिक्ट की करंट अफेयर भी आ जाएगी, सारे जीके के प्रश्न भी आ जाएंगे, ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, पीडीएफ बतारती बता दिए इंस्टाग्राम पर मिल जाए। अशोक के टॉपर टोपरा, ये टॉपर को नहीं आओ भाई टोपरा होगा, टोपरा के अभिलेख टोपरा टोपर टोपरा टोपरा के अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान अवस्थित है। अशोक का जो टोपरा का जो अभिलेख था उसका मूल प्राप्ति मतलब वो मेन कड़ा मिला था, ये प्रश्न पूछा गया, तो भाई यमुना नगर का में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अशोक का जो टोपरा का अभिलेख है वो कड़ा मिला था यमुना नगर का में मिला था भाई।
अगला प्रश्न कहे भाई महेंद्रगढ़ जिले में बहने वाली नदियों को पहचानिए, ठीक है, रिवर्स फ्लो डाउन इन महेंद्रगढ़ उनको आप लोग पहचानिए। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके अंदर से भाई दो अनर कसावटी तारा, पेपर का मनु आ रहा था ऑप्शन नंबर टू एंड थ्री ये करेक्ट हैं या फिर वन टू थ्री, तो भाई दो अनर कसावटी याद कर लियो, दोनों की दोनों सही है, दो अनर कसावटी ये महेंद्रगढ़ जिले में बहने वाली नदियाँ हैं। तो भाई ये प्रश्न थे तारे जो आज का पेपर में आयोड़े थे TGT अड़ा का मैं, अरे तारे आगा सारे प्रश्न सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की वीडियो चैनल पर पड़ी है, रट लो उस वीडियो ना, PDF चाहिए तो भाई उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक है, PDF मिल जाएगी। सारे राम राम, धन्यवाद।